दिनों श्रद्धा मूर्ति देवी हो। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुछ गलती हो जाए तो भाई यही है, बुरा न मानना, होली है। होली का त्योहार भारत का सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से एक त्योहार है। भारतीय संस्कृति में अनेक त्योहार माने गए हैं, इसमें से चार त्योहार प्रमुख माने गए हैं, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। मान्यता अनुसार, जैसा कि धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है, दशहरा क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का और होली शूद्रों का। ये मैं धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ। ऐसे तो सब त्योहार सब मनाते हैं और मनाना चाहिए, लेकिन होली का त्योहार बहुत पुराना त्योहार है और मुख्य रूप से ये होली का त्योहार किसानों का त्योहार है। आजकल विज्ञान का युग है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, अब तो अमुक फसल अमुक समय ही होगी बाकी नहीं होगी ऐसा एकदम नहीं कहा जा सकता है। पहले खेती बर्तर पर निर्भर रहती थी, वर्षा हो गई ठीक से तो फसल हो जाती थी, नहीं हुई तो फसल कम होती थी। तो वर्षा आधारित खेती में होता क्या था कि ये होली आते आते नई फसल तैयार हो जाती थी। कार्तिक में लगभग गेहूं बो दिया जाता था तो होली आते आते लगभग नई फसल तैयार हो जाती थी। उधर दशहरा के समय खरीफ की फसल लगभग काफी तैयार हो जाती थी और दीपावली तक तो सब। तो दीपावली भी मुख्यतः किसानों का त्योहार, होली भी किसानों का त्योहार। स्वाभाविक है, किसान मेहनत करता है, फसल आ गई घर में तो खुशी होती है कि अब साल भर के हमारे खाने पीने के लिए एक व्यवस्था हो गई। तो और फिर नया अन्न जो घर में आया, उस नए अन्न को खाने की शुरुआत हम स्वयं, हम या हमारे परिवार अकेले न करें किंतु नाते रिश्तेदार मित्रों को भी कभी बुलाएं और उनके साथ बैठ करके खाएं पिएं, कुछ पकवान बनाएं। दीपावली में भी ये बात है और होली में भी यही बात है। और फिर होली इस समय तक कहा कि ये नई फसल तैयार हो जाती थी, गेहूं की बाल तो तैयार हो ही जाती थी, मतलब पका भी नहीं है। तो जैसे आप लोग चना का होरा भूनते हैं ऐसे ही गेहूं का होरा भून खा जाता है, और होरा से ही होली त्योहार शब्द बना है। बहुत धीरे धीरे करके होता ये हुआ कि इस कहानी को धार्मिकता का रंग रंगा गया और हिरण्यकश्यप प्रह्लाद की कहानी इसके साथ जुड़ गई। हिरण्यकश्यप कोई देवी देवता भगवान भगवती पूजा आराधना नहीं करता था, वो कहता था कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी आराधना चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए। लेकिन उनके घर में प्रह्लाद पैदा हुआ, वो भगवान की भक्ति करता था, विष्णु की। और कहते तो यही हैं कि प्रह्लाद जब पढ़ने लायक हुआ तो विद्यालय भेजा गया,
तो प्रहलाद जो अध्यापक पढ़ाता था आचार्य, आज अध्यापक कहते हैं, पहले आचार्य कहा जाता था, अभी भी प्रायः सरस्वती शिशु मंदिरों में आचार्य ही कहा जाता है, शिक्षक या अध्यापक नहीं कहा जाता। तो आचार्य जो पढ़ाते थे, प्रहलाद उस पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, वो तो राम 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 ही जपता था, भगवान का भजन करता था। आचार्य ने बहुत समझाया कि बेटा तुम पढ़ने आए हो यहाँ पर, राम राम मत जपो, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, नहीं माना तो हिरण्यकश्यप से शिकायत किया। हिरण्यकश्यप ने भी समझाया कि तुम पढ़ने गए हो, राम राम क्यों जपते हो, पढ़ाई करो, फिर भी नहीं माना तो इसी बात पर हिरण्यकश्यप ने से बहुत तकलीफ दिया, हाथी से कुचलवाया, ये करवाया, वो करवाया। फिर होलिका अपनी बहन को कहा कि होलिका को ये वरदान था कि आग से नहीं जलेगी, उसमें लेकर के उसे बैठाया गया, तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गया। अंत में खंभा पार कर नरसिंह भगवान निकल गए, एक कहानी बना ली गई। यदि सचमुच में ऐसी घटना घटी तो प्रहलाद दो कौड़ी का नहीं है, आप जरा कल्पना करो कि आपके बेटे पढ़ने जा रहा, आप अपने छोटे बच्चे को, जो भी उम्र, 5 साल 10 साल 15 साल के बेटे आपका है, पढ़ने जा रहा है, उसके विद्यालय में उसके अध्यापक जो पढ़ाए वो तो न पढ़े और खाली राम राम पढ़े, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे, सोच लो, प्रसन्नता करोगे? कौन कौन प्रसन्नता करेंगे इसमें से, जरा हाथ उठाए तो, कोई प्रसन्नता नहीं करेगा ना, समझाएगा, डांटेगा, पीटेगा, फिर भी नहीं मानेगा ना, तो सोचेगा किसी पागल खाना में भेजकर कुछ इलाज करवाया जाए दिमाग का, यही तो करोगे। तो हिरण्यकश्यप समझाता रहा तो कौन गलती किया, पढ़ने गया है तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, राम राम जपा, जपना चाहिए, तो समय से जब पढ़ाई के बाद का जो वक्त होता उसमें राम राम जपता, रास्ता चलते नहाते धोते खाते पीते राम राम जप लेते, पढ़ने समय तो पढ़ना चाहिए। तो कह देते हिरण्यकश्यप बड़ा पापी था, प्रहलाद बहुत भगत था, अरे बिना मतलब की कहानी गढ़ ली गई। अब सच क्या है, जब प्रहलाद हुए भी हों, हुए हैं नहीं हुए हैं कोई ठिकाना नहीं है, यदि हुए भी हैं हिरण्यकश्यप तो सतयुग में हुए हैं, क्योंकि क्योंकि नरसिंह अवतार सतयुग में हुआ है, और सतयुग में राम राम जपने का कोई प्रचलन, एक को आदमी नहीं जानता था कि राम राम जपना चाहिए, कोई नहीं जपता था। भले आप पढ़ लेते हैं रामचरितमानस में कि सदा सदा से रामचरित भगवान राम का नाम जपा जाता है, राम राम जप करके ऋषि मुनि सब तर गए, ऐसा कुछ नहीं है। राम नाम जप का प्रचलन आज से 1100 साल पहले हुआ है, 1100 साल पहले भारत में एक आदमी नहीं जपता था राम का नाम, कोई जानता भी नहीं था, 1100 साल से ही राम का नाम जपना शुरू हुआ है, और जितने मंदिर भारत में हैं राम के, 1100 साल के भीतर उसके पहले के एक भी मंदिर नहीं है। तो उस समय जमाने में राम राम कोई जपता ही नहीं था। प्रहलाद हुए कि नहीं हुए यही बात है, लेकिन कहानी जैसी भी हो, सच्ची हो झूठी हो, एक तो झूठाई इसी में है कि हिरण्यकश्यप उसको राम राम जपने से रोकता था तो कोई गलत नहीं करता था। दूसरी बात, इस कहानी से सिर्फ हमें इतनी ही प्रेरणा लेनी है कि जैसे प्रहलाद के सामने अनेक कठिनाइयां आई, हर प्रकार से हिरण्यकश्यप ने उसे सताने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद डिगे नहीं, अटूट निष्ठा उनकी बनी रही,
इस कहानी से सिर्फ अपने धर्म के मार्ग में चलने के लिए अटूट निष्ठा बनी रही, यही प्रेरणा लेनी है, यही प्रेरणा इस कहानी की है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसे भी संकट झेलना पड़े, लेकिन जिस धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उससे हम विचलित न हो, अंत में विजय हमारी ही होगी। सोने को आग में कितना भी तपाओ, अंत में उसे निखार आना ही आना है, सोना में चमक और आएगी ही आएगी। सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे तो बहुत साथी आपको नहीं मिलने वाले हैं। शुरुआत में तो आपको सत्य के मार्ग पर अकेले ही चलना होगा। जो संगी साथी का रास्ता दिखता है, इतने लोग सहयोगी हो जाएं, इतने लोग साथी मिल लें, तब सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वो कभी नहीं चल सकता। सत्य के रास्ते पर चलें और तिरस्कार मिले, अपमान मिले, भय मिले, निंदा मिले, दंड भी मिले, उनको सहते जाएं और दंड देने वाले, निंदा करने वाले के प्रति हित कामना करते जाएं, धीरे धीरे आपको साथी मिलते जाएंगे, टूटे ना। सद्गुरु कबीर धर्म के मार्ग पर अकेले चले और धीरे धीरे उनके सहयोगी मिलते चले गए। ये सोचे, पहले सोचें, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो पहले क्या होगा, तिरस्कार होगा, मजाक उड़ाएंगे आपका, बड़े धर्मवादी बने हैं, बड़े सत्यपरायण बड़े हैं, अनेक प्रकार के लोग आपको तिरस्कार करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और यदि आपने तिरस्कार और मजाक को सहन कर लिया, लोगों के मजाक से घबरा करके आपने सत्य का रास्ता छोड़ा नहीं, चलते रहे, तब आपका विरोध होगा, अनेक प्रकार से विरोध होगा, तमाम प्रकार लोग आपको तकलीफ देंगे, शारीरिक दंड देंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, आर्थिक दंड देंगे और कुछ होगा, फिर भी आप डिगे नहीं, उस विरोध को भी निर्विकार भाव से सहन कर लिए, तब आपकी पूजा होगी, स्वीकृति होगी उस सत्य की। इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा, अपमान से घबरा गए, तिरस्कार से घबरा गए, किसी ने थोड़ा कह दिया, बस दुखी हो गया मन, तो क्या साधना होगी, क्या वैराग होगा, क्या तपस्या होगी, क्या भक्ति और क्या सेवा होगी। संसार के रास्ते पर चाहे जितनी विघ्न बाधाएं आ जाएं, सहन है आदमी को, वहां से घबराता नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, बस टूट गया आदमी, अहंकार तिलमिला जाता है, हम साधु होने आए हैं, हम किसी का नहीं सहन कर सकते हैं, थोड़ा अपमान हुआ, बस साधना छोड़ दी, तो क्या ऐसे लोग कर पाएंगे। इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि आदमी कैसा कच्चा मन होता है। इलाहाबाद की बात है, हमारे आश्रम की ही एक साधक आया था, इनमें से कोई कोई जानते होंगे, कृपा संत साहब जानते हो, एक दो जन लोग और जानते, बाकी कोई नहीं जानता उनको, इनमें से अधिकतम लोग आने के पहले वो लौट चुका था। अच्छा था, सेवा परायण था, सब कुछ था, लेकिन एक दो बार एक महात्मा ने उसे कुछ कह दिया तो बड़े दुखी हुए,
आए मेरे पास, कहा मैं कहा भैया उनके मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ है नहीं, और कह दिया तुम्हारे हित के लिए कहा है, शांत रहो एक रहो, नहीं तो मुझे बहुत है, मेरा रहने का मन नहीं है यहाँ पर, बहुत समझाया मैंने, लेकिन अब मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं क्या करोगे कि घर जाऊँगा। मान लो तुम घर जाओ तो घर में अकेले रहोगे नहीं, शादी करोगे, पत्नी आएगी, पत्नी से कहीं कुछ अनबन होगी किसी बात को लेकर के, कहा सुनी होगी, पत्नी ने डांट दिया, कुछ कर दिया, तब क्या करोगे? उन्हें छुटते ही कहा, साहब पत्नी की चप्पल सहने साधु की बात सहन नहीं है। तो मैंने कहा भैया तब तो जाओ आराम से, तब तो जाओ। चला गया। अब मिलता है कभी कभी, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन है अच्छा आदमी, अभी भी है, गृहस्थी में है, एक बच्ची उसकी है बस, लेकिन अच्छा है, समझदार है, लेकिन अब क्या करोगे, लौट गया अपना। तो सत्य के मार्ग पर, धर्म साधना के मार्ग पर कठिनाई आए और टूट गए तो क्या होगा? गुरुजी ने लिखा है, क्या है, एक हकीकत है, गंगोत्री से टूट टूट करके पत्थर गंगा की धारा के साथ बहते हैं। जो पत्थर कमजोर होते हैं बहते बहते टकरा टकरा करके चूर हो जाते हैं, बालू बन जाते हैं, मिल गए बालू में। लेकिन जो पत्थर मजबूत होता है वह पत्थरों की टकराहट से पानी की धारा में बहते घिसते हुए टूटता नहीं है, बराबर ठोकर खाते खाते रगड़ते रगड़ते गोल आकार हो जाता है, वह शालिग्राम बनकर के पूजा जाता है। इस सर्वत्र के नियम यही है। तो प्रहलाद की कहानी हमें धैर्य और सहन करने की सीख देती है। सहन करें, किसी क्षेत्र में देखें, जो भी सहन किया है वही तो आगे बढ़ा है, सहन नहीं किया वो फिर आगे कहां बढ़ा। कहानी है, जानते हैं, सुने होंगे, दोहराता हूं मैं। एक दिन रात्रि के समय मंदिर की सीढ़ी पर लगे हुए पत्थर ने मंदिर के अंदर बैठी हुई मूर्ति से पूछा, कहा कि भाई हम और तुम दोनों मूल रूप में पत्थर हैं, और दोनों भाई हैं, कि हम दोनों एक साथ खदान से निकले हैं, अब एक ही कारीगर ने, एक ही मजदूर ने हम दोनों को एक साथ खदान से निकाला, दोनों भाई, लेकिन आज वर्तमान में मेरे जीवन तुम्हारे जीवन में बड़ा अंतर, लोग मेरे पर तो पैर रख करके जाते हैं, जूता चप्पल पहने हुए पैर रख कर जाते हैं, और तुम्हारे पास जाते हैं तब जूता उतार कर जाते हैं, और तुम्हारे सामने जाकर के सिर झुकाते नमस्कार करते हैं, इतना अंतर क्यों हो गया? तो अंदर जो मूर्ति बैठी थी उसने कहा, तुम आज इस अंतर को पूछ रहे हो, भूल गए उस दिन की बात जब हम दोनों को मजदूर मिस्त्रियों ने खदान से निकाला था और निकाल कर बाहर रख दिया था, तो जब कारीगर आया मूर्ति बनाने वाला तब वो पहले तुम्हारे पास ही गया था ना, और छिनी हथौड़ी से तुम्हें ठोकना शुरू किया था, तब तुम रोने लग गए, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही, मुझे छोड़ दो, तुम उस चोट को सहन नहीं किए। कारीगर रुका कुछ देर पश्चात फिर ठोका, तब तुम फिर रोने लग गए, सोचा यार ये पत्थर बेकार है, छोड़ो कुछ नहीं काम का है, तुम टूट गए। फिर मेरे पास आया,
मुझे ठोकने लगा तो मुझे तो बहुत पीड़ा हुई, हजारों चोटें पड़ी, हजारों छीने तो अनगिनत चोट मुझे भी बहुत आई, बहुत आई, पीड़ा बहुत हुई, लेकिन मैं सहता गया सहता गया। अब उसी का परिणाम यह है कि आज मैं मंदिर के भीतर बैठा हुआ हूं। तो उस दिन तुम सहन कर लिए होते तो मेरी जगह पर तुम होते, तुम्हारी जगह पर मैं होता, लेकिन तुमने सहन नहीं किया तो रोने लगे टूट गए। अब रोज लाज जूता खाओ और क्या होगा, उस दिन सहन कर लिए होते तो तुम पूजे जाते। ये तो कहानी ही पत्थर क्या बोलेगा। किसी भी क्षेत्र में देख ले, धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य धर्म सत्य ये छूटने ना पाए। क्यों? क्योंकि जीवन की जो स्थितियां है वह एक रथ रहने वाली नहीं है। सब दिन होत न एक समाना, सदगुरु कबीर कहते हैं सारे दिन एक समान नहीं होते हैं। आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता है, आज सम्मान है, कल अपमान है, आज प्रसन्नता है, कल निंदा है, आज लाभ है, कल हानि है। कहाँ एक रास्ता है? ये तो एक के बाद एक क्रम, जैसे रहट में डिब्बे लगे होते हैं, रहट चलती है, डिब्बे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पानी भर भर करके आते हैं, खाली होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर भर लेते हैं। ऐसे एक के बाद एक क्रम से अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, मान अपमान, ये सब चलते रहते हैं। एक बराबर कहाँ? और जो ऐसी स्थिति में अनुकूलता तो बड़ी प्यारी होती, बड़ी प्यारी होती है, प्रतिकूलता प्यारी नहीं होती। हम प्रतिकूलता से घबराते हैं, लेकिन प्रतिकूलता से घबरा गए तो क्या करेंगे? रोने से तो बदलेगा नहीं। अनुकूलता में हर्षित हुए, प्रतिकूलता में शोकित हुए, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुकूलता का उपयोग करें सेवा और साधना के लिए, प्रतिकूलता का उपयोग करें धैर्य और सहनशीलता के लिए। प्रतिकूलता तो जगाने के लिए आती है, प्रतिकूलता से लाभ लें तो वैराग्य की वृद्धि होगी। अनुकूलता में तो मोह हो जाता है, लेकिन अनुकूलता के प्रति राग, प्रतिकूलता के प्रति द्वेष। यह बताएं, अमावस्या को स्वीकार किए बिना क्या आप कभी पूर्णिमा का चांद देख सकते हो? कभी नहीं होगा। पूर्णिमा चाहिए तो अमावस्या को भी सहन करना होगा। सब दिन अमावस्या नहीं का दिन नहीं होता, सत में पूर्णिमा का दिन नहीं होता। उजली पक्ष चाहिए तो कृष्ण पक्ष को स्वीकार करें। ये कैसे हो सकता है कि उजला ही उजला पक्ष हो? एक रास्ता कैसे? चौबीसों घंटे दिन ही दिन रहें जी पाएंगे? चौबीसों घंटे रात ही रात रहे जी पाएंगे? दिन चाहिए तो रात को स्वीकार करो, रात चाहिए तो दिन को स्वीकार करो। क्रम है यह, एक रास्ता कैसे होगी? लेकिन होता क्या है, अनुकूलता आई, सम्मान मिला, लाभ हुआ, राग बन गया, मोह बना लिए, प्रतिकूलता आई, हानि हुई, अपमान मिला, द्वेष कर लिए। जिन जिन लोगों ने हमारा अपमान किया, जिन लोगों के कारण घाटा हुआ, अब वो भी अपमान करने वाले सचमुच में जानबूझ करके अपमान करे किए कि हमने मान लिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने वाले का मन हमारा अपमान करने का नहीं है, लेकिन
हमारे मन में इतनी तृष्णा है, कामना है कि हमने मान लिया, उन्होंने मेरा अपमान किया और देश बना लिए। अब फिर राग और द्वेष के भंवर में डूब रही है जिंदगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुकूलता के प्रति राग ना बनने पाए, उपयोग करें। निश्चित है कि अनुकूलता में सेवा साधना का काम बढ़िया बनता है, प्रतिकूलता में थोड़ी कठिनाई होती है। ना बढ़िया सेवा बनेगी, ना साधना बनेगी, ना ध्यान चिंतन होगा, लेकिन है तो क्या करें, उसमें तो सहन तो करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। और उसमें जो कर सकते हैं करें। तो राग और द्वेष न बनने पाए, किंतु समता की स्थिति हो, हर स्थिति में मन का संतुलन बना करके रखें। जैसे हमारे शरीर को ले लें, हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है, स्वस्थ शरीर का निश्चित तापमान। डॉक्टर बताते हैं कि स्वस्थ शरीर के आदमी का निश्चित तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब तापमान इससे घट जाता है तब शरीर अस्वस्थ बीमार बन जाता है, तापमान इससे बढ़ गया तो शरीर अस्वस्थ और बीमार बन जाता है। कैसी भी ठंडी आए, कैसी भी शीत लहर चलती रहे, स्वेटर पहन करके वो क्या का हम एक करके कर लें, कैसी भी शीत लहर चले, शीत लहर चलने से शरीर का तापमान घटेगा नहीं। और कैसी भी लू चले, प्रचंड लू चल रही हो, शरीर का तापमान बढ़ेगा नहीं। बाहर शीतलहरी चलने से, लू चलने से शरीर का तापमान घटने बढ़ने लग जाए तो हम जी नहीं सकेंगे। शरीर बैलेंस बनाकर रखता है हर मौसम में, हर ऋतु में। अब खान पान में असंतुलन है, बदपरहेजी है, सोने जागने में है, तो उससे ऋतु परिवर्तन से शरीर में बीमारी आ जाती है। यदि हम संतुलन बना करके रखते हैं तो तापमान बरकरार रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे ही हमें अपने मन के तापमान को बरकरार रखना है, संतुलन बनाकर रखना है। अनुकूलता मिली, खूब हर्षित खूब हर्षित खूब हर्षित, तापमान मानो घट गया। प्रतिकूलता मिली, माथा पकड़ करके बैठ गए, दुखी दुखी दुखी, तापमान मानो बढ़ गया घट गया, मन संतुलन कहाँ है। एक बैलेंस बना करके रखें, अनुकूलता को भी स्वीकार करें, प्रतिकूलता को भी स्वीकार करें। ठीक है, दोनों में अपना काम कर लें। समता, समत्वम ही योग उच्यते, गीता में कहा गया है कि हर स्थिति में समता भाव बनाए रखना यही योग कहलाता है। गीता में बार बार इसी की सीख देती है, संतुलन बनाकर रखो, संतुलन बनाकर के रहो, दोनों को स्वीकार करें। और समता भाव आए बिना मन की जो शांति है, संतोष है, प्रसन्नता है, आत्मस्थिति है, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। दोनों में हमें रहना पड़ेगा, निंदा में भी प्रसन्नता में भी। यद्यपि निंदा किसी को प्रिय नहीं लगती, लेकिन निंदा कोई कर रहा है तो क्या करोगे, किस किस की जबान को आप बंद करोगे,
और एक चीज आप ये स्वीकार करें, आपको हमको सबको, चाहे साधु मार्ग में चलने वाला हो चाहे गृहस्थी में रहने वाले हो, सबको ऐसे अपने मन को बना करना चाहिए जो निकट से निकट है उससे भी कभी निंदा सुननी पड़ेगी, निश्चित ये बात आएगी। जिसे आप कह रहे हैं मेरे बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है, बहुत सेवा करने वाले, बहुत प्यारा है, एक दिन ऐसा भी आएगा वही भयंकर निंदा करने लग जाएगा, और उसको भी सहन करने के लिए मन को तैयार रखना होगा। और जो आज जिसे बैरी मानते हैं वो कभी प्रशंसा करने वाला हो सकता है, निंदा करने वाले का मन प्रशंसा करने वाले का मन। सदगुरु विताल साहब के दर्शन करने का अवसर तो ज्यादा नहीं मिला, दो तीन बार ही उनके दर्शन करने का अवसर मिला है, दो ही बार कहना चाहिए। एक बार गुरु के साथ बाराबंकी जिले में गया था और एक बार अयोध्या में जब पधारे थे तब उस समय उनकी उम्र तो काफी हो गई थी। जब उनके दर्शन पहली बार दर्शन मैंने किया तो उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी, बहुत बोलते नहीं थे। लेकिन उसके पहले गुरुजी बताया करते थे, अभी भी बीच बीच में गुरुजी चर्चा किया करते थे, कोई जाए उनके पास और कहे साहेब अमुक महात्मा या अमुक भगत आपकी निंदा कर रहे थे, आपकी बुराई कर रहे थे, तो सदगुरु विताल साहब एक दो मिनट चुप रहते थे, थोड़ा सा एक मिनट लगभग चुप रहते थे, तब कहते थे हाँ तो कोनो उसमें लाभ हुई उसका तभी निंदा कर रहा है, बस इतना ही कहते थे, कोनो लाभ हुई उसका तब निंदा कर रहे थे, कुछ नहीं कहते थे। निंदा करने वाले को निंदा करने में लाभ है तभी तो कर रहा है, करने दो। और एक बात पर और ध्यान देना होगा हम लोगों को, कोई हमारी निंदा कर रहा है और निंदा सुन करके हम दुखी हो गए तो निंदा करने वाले को आ गया बड़ा मजा आ गया, और सफल हो गया अपने काम में, खुश हो गया कि मैंने बढ़िया अच्छा काम किया, और फिर बार बार निंदा करेगा। और कोई निंदा तो कर रहा है और हम कोई प्रतिक्रिया शांत रहे तो निंदा करने वाला मर जाएगा, मजा नहीं आएगा उसको, फिर किसी चिढ़ाओ और वो चिढ़ता नहीं है तो कौन सा मजा आएगा उसमें, चिढ़ाओ और चिढ़े तब मजा आएगा ना, ये हकीकत है। निंदा कर रहा है धन्यवाद दे दे, प्रसन्नता कर रहा है धन्यवाद दे दे, और जो काम करना है वह काम करें। कोई निंदा कर रहा है कितनी भी हमारी निंदा करे, हमारे शरीर का एक तोला मांस घटेगा नहीं, और कोई कितना भी प्रशंसा करे हमारे शरीर में एक तोला मांस बढ़ेगा तो नहीं, जैसे कि तैसे रहेंगे। हाँ अविवेक है तो निंदा सुन करके दुखी रहेंगे, प्रशंसा सुन करके खुश हो जाएंगे। निंदा तो ऐसे जगाती है, प्रशंसा भुलाती है, प्रशंसा पाकर के अहंकार ही होता है। निंदा कर रहा है तो उसकी मर्जी है, उसके पास वही है वो दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है उसके पास वो है वो दे रहा है, दोनों स्वीकार कर ले। तो दोनों में समता, और समता है तब शांति है। उदाहरण अनेक बार सुना होगा कि एक जिज्ञासक महात्मा के पास पहुंचा और कहा कि भगवान मैं भगवान दर्शन करना चाहता हूं। अनेक संतों महात्माओं के पास गया कि किसी में दर्शन नहीं करवाया भगवान का, भटकते भटकते आ रहा हूं, और सुना भी ये भी है मैंने कि भगवान के दर्शन ये दोनों नेत्रों से होते नहीं, जब तीसरा नेत्र खुलता है तब भगवान के दर्शन होते हैं।
तो महात्मा ने कहा ठीक कहा है उन्होंने। तो महात्मा ने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखो, तीसरे नेत्र से ही भगवान का दर्शन तो होगा, लेकिन तीसरा नेत्र तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारे दोनों नेत्र खुले रहेंगे। जब दोनों नेत्रों को बंद कर लोगे, पूरा का पूरा बंद कर लोगे, तब तीसरा नेत्र खुलेगा। तो जिज्ञासु ने एक कपड़ा रखा था, उसे मोड़कर अपने आंख पर पट्टी बांध ली और कहा देखो भगवान, मैंने दोनों आंखों को बंद कर लिया, पट्टी बांध ली, अब बताओ तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा। तो वो महात्मा ने कहा मैं ये आंख बंद करने के मैं थोड़े कह रहा हूं, तुम दुनिया को किस नजर से देखते हो? जिन नजरों से, जिन आंखों से तुम दुनिया को देखते हो उन्हें बंद करो। वो कौन नेत्र है? राग का नेत्र और द्वेष का नेत्र। जहां अनुकूलता मिली वहां राग बना लिए, द्वेष का। हम हर चीज में थोड़े थोड़े में मन में राग बनता है और द्वेष बनता है। हम राग और द्वेष के नेत्रों से दुनिया को देखते हैं, और जब तक हमारे राग और द्वेष के नेत्र खुले रहेंगे भगवान का दर्शन नहीं होगा, तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा। जब राग और द्वेष नेत्र बंद होते हैं तब तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान का नेत्र, समता का नेत्र। अब जिस दिन ज्ञान और समता का नेत्र खुल गया भगवान दर्शन मिल गया, खोदना कहां है, अंदर बैठा ही है। इसके लिए चाहिए धीरज। तो सब दिन एक होता ना एक समाना, सारे दिन एक समान नहीं होते हैं, परिस्थितियां बदलती है, भयंकर से भयंकर स्थिति आ जाती है, जो न सोच रहो वो स्थिति आती है, कल्पनातीत। लेकिन करेंगे क्या? अब उस स्थिति में जो करना है करें, बस धीरज रखें, और धीरज रखकर धर्म और सत्य के पथ पर चलते चलें। धर्म और सत्य वस्तुतः अलग अलग हैं भी नहीं। कमजोर मन का आदमी धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकता। हरिश्चंद्र की कहानी इसी धीरज, धर्म, सत्य की परीक्षा के लिए है। हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, महाराज राम के पूर्वज। जिस कुल में हरिश्चंद्र पैदा हुए थे उसी कुल में बहुत बाद में आकर के राम पैदा हुए हैं। कहानी अयोध्या के राजा, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पर आनी मरघट गए निशाना, गगनचुंबी अट्टालिका। राजा की कौन कहा, सोने के महल। लेकिन परिस्थिति बदली, पूरा राजपाट गया, पत्नी को बेचना पड़ा, बेटे को बेचना पड़ा, स्वयं को बेचना पड़ा, और एक डोम के घर नौकर होना पड़ा। लेकिन उन्होंने सत्य को छोड़ा नहीं, धीरज को छोड़ा नहीं, धर्म के मार्ग पर अटूट एक रस चलते रहे। ये कहानी भी गढ़ी गई है दान की महिमा में और धीरज की प्रतीक्षा के लिए। हरिश्चंद्र इसलिए सत्यवादी कहे गए, चाहे जैसी स्थिति आई धर्म को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा, इसलिए एक रस चलते रहें। अंत में कुछ रहने वाला है नहीं। जिन जिन बातों को लेकर के हम बहुत व्याकुल होते हैं, जिन घाटों को लेकर के बहुत व्याकुल हो जाते हैं, एक दिन उनका कुछ महत्व नहीं रह जाता है, शरीर ही नहीं रह जाएगा हमारा, तब और हमारे साथ क्या रह जाएगा? अब वो दिन आने वाला ही है कि जब शरीर रहेगा नहीं, मिट्टी में दब जाएगा या चिता में जला दिया जाएगा। तो धीरज, ज्ञान, ज्ञान का अर्थ ही क्या है फिर? ज्ञानी तो हम लोग बहुत हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े में बह जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ज्ञान नहीं है। सहिष्णु बनना पड़ेगा,
और अपने को तपाना पड़े, यही तो तपस्या है। और तपस्या क्या है? सत्य के मार्ग में आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उनको सहन करते जाना, ये तो तपस्या है। इसको छोड़ तपस्या और क्या होगी? हाँ, निरंतर ऐसा जीवन बनाए कि ज्ञान की अग्नि में, ज्ञान की होली में अपने कलमश कषायों को डाल डाल करके भस्म करते रहें, ज्ञान की आग रखें प्रज्वलित, आदत गलत विकार तृष्णा लोभ मोह कमजोरी एक एक करके उसमें जलाते जाएं और सारे कलमश जल गए चमक करके बाहर आ जाएंगे। और दुनिया के महापुरुष जिनको आज हम बड़े आदर से पूजते हैं, श्रद्धे कहते हैं, गुरु पीर मानते हैं, उनके जीवन को देखें कितना तपाया है। होली रंगों का त्योहार, लेकिन कोई भी रंग ऐसा रंग नहीं है जो स्थायी रंग हो। ज्ञान के रंग में रंगे, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया कहते हैं। गाते तो हैं, गाते क्या हैं? रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, और गाते कहाँ हैं? अज्ञान के रंग में, जबान से ज्ञान के रंग में और प्रयोग में अज्ञान के रंग में, तो काम थोड़े बनेगा। ऐसा शरीर को रंगे कि अब इस पर दूसरा रंग रंगने ना पाए, जैसे सुरदासी काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, काले काले कंबल पर कोई रंग आप चढ़ा नहीं सकते हैं, चढ़ गया। ऐसे ही विनम्र होकर समर्पित भाव से हम संत गुरुजनों की शरण में जाएं और रंग दें। कबीर साहब ने तो यही कहा है ना, जब उमरी चादर बुन घर आई रंग रेज को दीन ही, ऐसा रंग रंगा ने लालो लाल कर दीन ही, उस लालो लाल करते। अब मीराबाई क्या कहती है? अपने ही रंग में रंग दे समरिया। मीरा का इष्ट कृष्ण है, श्याम, मीरा का इष्ट कौन? श्याम, और श्याम का रंग श्याम ही है। मीरा कहती अपने ही रंग में रंग दे, इष्ट के रंग में रंग गया, भगवान के रंग में, प्रभु के रंग, गुरु के रंग में रंग गया, तब फिर ऐसा रंगे कि अब इस पर माया का रंग, दुनिया का रंग चढ़ने ना पाए, तो होली होली हुई। नहीं तो आजकल होली बन गई है होली, कहने का आवश्यकता क्या है? कितना बिगड़ गए आदमी, अब बिगाड़ कितना डाला है। खैर तो दुनिया है, हम दुनिया सुधार नहीं सकते। ऐसा रंगा रंगने ने लालो लाल कर देने, लालो लाल अर्थ क्या है? पूर्ण पक्का मजबूत मन, अटूट धैर्य। चट्टान भी सामने से हट जाए ऐसा तो कहने का तरीका है, चट्टान क्या हटेगा? हमारे भीतर जब तक कमजोरी नहीं रहेगी, दूसरा कोई हमें बहका नहीं सकता है। बहकाने वाले मिलेंगे, इतना पक्का है। अच्छे रास्ता बताने वाले भी हैं और गलत रास्ता बताने वाले भी हैं। हमारे भीतर कमजोरी होगी, हम गलत रास्ते वाले के साथ बह जाएंगे, मजबूती होगी, अच्छे रास्ते में चले जाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलते ही तत्काल यदि पूजा मिलने लग जाए, प्रतिष्ठा होने लग जाए, तो असत्य के रास्ते पर कोई क्यों जाएगा? कसौटी होती है ना, कसौटी। कहते हैं कि जब ध्रुव जाने लगा जंगल, 6 साल की उम्र थी ध्रुव की, तपस्या करने के लिए जाने लगा जंगल, तो
बीच में मिल गए नारद, कहे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कि भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने, भगवान पाने के लिए। अरे भगवान पाने के लिए जंगल जा रहे हो? घोर जंगली जानवर, शेर, भालू, चीता और कैसे कैसे जानवर आएंगे, बड़ी बड़ी पत्ती, जंगल में बरसात होगी, भयंकर बरसात, के रहने की जगह नहीं, भयंकर लू चलेगी, कहाँ रहोगे? जंगली जानवर रात में आकर खा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत उसे डर दिखाया। तो ध्रुव ने कहा, ये बताओ, ये शेर, भालू, चीता, अन्य जंगली जानवर, ये बरसा, गर्मी, ये सब बड़े हैं या इनको बनाने वाला भगवान बड़ा है? अरे भगवान बड़ा है तो मैं तो उसी के पास तो जा रहा हूं, कौन मुझे भगा सकता है, कौन डरा सकता है मुझको? ये भी कहानी है। जब ये सब भगवान के अंदर में काम करने वाले हैं तो मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तो ध्रुव की निश्चयता कि अनेक प्रकार से भय दिखाया गया लेकिन छोटा बालक डिगा नहीं, यही अटूट निष्ठा चाहिए कल्याण के लिए, कल्याण के लिए किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और जो ऐसा हो जाता है उसी का बेड़ा पार होता है। हम लोगों को ज्ञान के रंग में अपने जीवन की चादर को रंगा लेना है और ऐसा रंगाएं कि अब इस पर माया का, वासना का रंग, दुनिया का रंग चढ़ने भी ना पाए। उसके लिए संत गुरुजनों की शरण और धैर्य, सहनशीलता, फिर जीवन सफल हो जाएगा और ये हमारे ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम।